सकती है, मानसून दिल्ली में दस्तक दे सकती है। आपको रोक रही हूं, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, शिवेंदु अधिकारी अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं और पश्चिम बंगाल को लेकर जाहिर तौर पर बात होनी है। न्यूज 18 की पायल मेहता की यह खबर है और खबर यह कि दिल्ली में अमित शाह के घर पर यह मुलाकात होनी है। शिवेंदु अधिकारी अमित शाह के आवास पहुंचे हैं और ये मुलाकात महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि क्या रणनीति अब पश्चिम बंगाल के लिए रहने वाली है उसको लेकर या फिर क्या स्थिति है वहां पर वो बताने के लिए शिवेंदु अधिकारी अमित शाह के आवास पे पहुंचे। यतेंद्र शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, ये मुलाकात किस संदर्भ में हो रही है? देखिए, बिल्कुल, शिवेंदु अधिकारी जो पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता है वो गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ पहुंच गए और माना यही जा रहा है कि जो विधानसभा सेशन शुरू होने वाला है तो उसमें बीजेपी की रणनीति क्या होगी इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से कानून व्यवस्था का मुद्दा है या बीजेपी के कार्यकर्ता जिस तरह टीएमसी के में शामिल हो रहे हैं ऐसे, और जो जनता के हित में, खासकर जनता के हित में किस तरह से आवाज बीजेपी विधानसभा में उठा सकती है उसको लेकर यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी। दिशा निर्देश बीजेपी आलाकमान की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शिवेंदु अधिकारी को बताएंगे किस तरह से मुद्दों को सामने रखना, किस तरह से ममता सरकार का घेराव करना है, चाहे वो कानून व्यवस्था की स्थिति हो या जो फर्जी वैक्सीन का जो मामला सामने आया उसको लेकर हो या तमाम दूसरे इश्यू जो जनता से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, उन विषयों को प्रमुखता के साथ उठाने की रणनीति यहां पर बनाई जाएगी, जिसके आधार पर बीजेपी जब विधानसभा सेशन शुरू होगा तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक ममता सरकार का घेराव उसी तर्ज पर करेंगे। जी शुक्रिया यतेंद्र।